अलग ही है, लेकिन मुझे बहुत ठंड लगती है, लेकिन बच्चों को पैडलिंग करते हुए देखा मैंने, ठंड खत्म हो गई। हमारे साथ ना हुसैन सर, हमारे कल अगर सर की मूवीज जरूर देखना, मैं नीचे सर के मूवीज के नाम सारे दे दूंगा। और माइनस में टेम्परेचर है और रोज प्रैक्टिस पे आती है, इसकी डेडिकेशन आप देख सकते हो। आगे हम लास्ट मैच है ये 2 मिनट का, इसके बाद हमारा वर्कआउट फिनिश। तो अभी हम अपनी सस्ती वाली शिकारा राइड पे चल पड़े हैं। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट हैप्पी, और आज है मैं ब्लॉग नहीं, डेली ब्लॉग नहीं डाल रहा फैमिली वाला, क्योंकि श्रीनगर वाले ब्लॉग पेंडिंग थे। आप फिलहाल वो वाला ब्लॉग देखें, डेली ब्लॉगिंग चलती रही, श्रीनगर वाले ब्लॉग पेंडिंग थे, इसलिए बीच बीच में मैं ये भी डालता रहूंगा ताकि ये भी खत्म हो जाए, क्योंकि 7 के बाद एक और शूटिंग आ रही है, वहां पे जाना है। इसलिए आज आप फिलहाल श्रीनगर वाला जो बचे हुए ब्लॉग हैं ये एंजॉय करो। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप? आई होप आप सब सही होंगे। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, मेरे को यहाँ पे मिल गया गर्म पानी, मैं वो दिखाता हूँ। कल मैंने ठंडे पानी से मुंह धोया था, मैं रात को मुल्क बीमार हो गया था, मुल्क बीमार, इसलिए मैं आपको पहले ना गर्म पानी दिखाता हूँ। जी देखो, इसमें से धुआं निकल रहा है, तो आज आपको भाई ना गर्म पानी से मुंह धो गया, नहाएगा नहीं आज भी, ठंड लगती है, इसलिए मैं पहले मुंह धो के ब्रश करके वो भी करके आता हूँ। अभी हम होटल से निकल गए थे, जैसे ही आज आपके भाई ने गर्म पानी से मुंह धोया, बड़ा मजा आया मुंह धोने का। जैसे आपको बता रहा था मैं, गर्म पानी मुल्क है हमारे पास, आज टेंशन ही नहीं थी। तो उसके बाद अभी हम जा रहे हैं हुसैन सर से मिलने, हुसैन सर और मीर सरवर सर दोनों से मिलने अभी जाके। तो ना अभी हम आए हैं हुसैन खान जो बॉलीवुड एक्टर है, उन्होंने चाय पे बुलाया था, अभी हम उनके घर आए हुए हैं। मीर सरवर सर जो कि केसरी मूवी में थे, बजरंगी भाईजान में मुन्नी के पापा थे, उनसे भी मिलना है, उन्होंने भी बुलाया हुआ है। तो उसके बाद देखते हैं अभी आगे का क्या प्लान है आज। भी आ रहे हैं अंदर, इसलिए शूट नहीं कर रहा मैं, बाहर तो जा रही हैं उन्हीं के साथ जा रहे हैं, क्योंकि फिलहाल मुझे को लेना है पहले मास्क डालने का, फिर मास्क लेंगे, मास्क डाल लेते हैं पहले मास्क ले लेते हैं, उसके बाद कट जाएंगे। जैसे कि ना हमने अंदर कश्मीरी रोटी खाई ना, मैं आपको कश्मीरी रोटी बताता हूँ यहाँ पर बनती है। फिलहाल अभी हम यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे हमें मीर सर के कुछ फ्रेंड मिले हैं जो ना यहाँ पे बोटिंग की रेस कर रहे हैं, वो टीचर है, उनके स्टूडेंट को अपनी कोचिंग दे रहे हैं। जैसे कि पीछे देख सकते हो बोटिंग की ना प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पे। सर से मिलके भी बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि हम अभी जा रहे हैं ना, तो सर बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, मतलब मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा मैं सर से मिल रहा हूँ, इतनी मूवी कर चुके हैं, इतनी बड़ी बड़ी मूवियों में काम कर चुके हैं, बट फिर भी इतने हम्बल हैं, सबसे मिलवा रहे हैं खुद जाके, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी फिलहाल अभी सर जा रहे हैं, सर के बाद मैं जाता हूँ। तो मैम से मिलके भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी मैम अपने स्टूडेंट से मिलवाएंगे तो उनसे मिलते हैं, तब तक हमारे सर कहीं पहुँच ना जाए सर आराम से। तो फाइनली हम सभी आ गए यहाँ पे, सर आ गए हैं। तो अभी हम मैम के स्टूडेंट से मिलने जा रहे हैं, तो मैम ने अभी बताया रिसेंटली वो ना काफ़ी ज़्यादा मेडल लिए हुए हैं, तो अभी मैं वहाँ का व्यू दिखाता हूँ आपको, आवाज़ कम आ रही होगी। ये हमारे सब जूनियर के प्लेयर हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा।
मिनट का लास्ट बैच आज पूरा जो वर्कआउट हुआ 1 आवर 10 मिनट ठीक है। सो आगे हम लास्ट बैच है ये 2 मिनट का, इसके बाद हमारा वर्कआउट फिनिश। गो फाइनली आज का जो मैम का जो वर्कआउट था ना बच्चों की, आज की ट्रेनिंग खत्म हो गई है, वो सीनियर सब जूनियर वाले आगे चले गए हैं। मैम अपनी एक जूनियर स्टूडेंट और है जिसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले दिनों में, गोल्ड मेडल आया, मैम उनसे मिलाएंगे। अभी हम मैम के बारे में भी आपको बताएंगे कि मैम ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल खेले हुए हैं, तो मैम की सारी मतलब मैम की जो सारी अचीवमेंट है उनके बारे में भी आपको बताते हैं। -3 डिग्री में इस वक्त हम है और तक पानी को आप हाथ नहीं लगा सकते हैं, मतलब इतनी सर्दी है, लेकिन उसके बावजूद भी देखो बच्चा कितना वर्कआउट कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। And it's a very good experience. We, in winter, we go and then it's actually, it's kind of cold also when we fall down, but like keep our balance and learn to maintain our speed. We are very lucky. We have a very good coach, Ma'am Bilkis. What do you think about it? Like, I know she has high hopes from you. Well, we have to just keep practicing and not lose hope. Even like we're left behind, we should not immediately give up. We should just keep trying and catch up. That is the best part. She's my favorite student. She's a younger one, na? She's okay. Just 11 and see, cold, everything. No, still, she's, you know, she reached in club 10 and warm up. And after that, she practiced every day. She practiced and I'm blessed. I have a student like her. And inshallah, I'm sure with this practice, she will excel not only national, but international. Yes, ma'am. Definitely. Best wishes to you. All the best for your future. Slowly now. तो अभी ना मैम की बहुत छोटी सी स्टूडेंट से मिलके इतना अच्छा लगा ना, मैं बता नहीं सकता। और यार सबसे बड़ी बात, इतनी अच्छी इंग्लिश बोली है ना उसने, आपके भाई के तो आधी समझ नहीं आई यार। अभी हम ना डल लेक के बिल्कुल सेंटर में है, बीच में हम खुद भूल गएंगे हम कहाँ उतरे थे कहाँ नहीं, बट व्यू बहुत ही प्यारा है, मैं आपको पूरा व्यू दिखा दूँ। मुझे बहुत ठंड लगती है, लेकिन बच्चों को पैडलिंग करते हुए देखा मैंने, ठंड खत्म हो गई, आई डोंट नो, ये दिमाग में होता है सारा, बिल्कुल एक एडनी रश ऐसा है, इस वक्त मुझे ठंड नहीं लग रही, अदरवाइज सबको मालूम है मीर साहब को ठंड लगती है, इस वक्त ठंड भी नहीं लग रही है, जस्ट बिकॉज बच्चों ने इतना मोटिवेट किया, बड़ा अच्छा लगता है। और ये हमारा कोई प्लान नहीं था ऐसा, अचानक से सर को मैम देख गए और सर की वजह से हमें भी ये यहाँ पे आके ना, मैंने बच्चे देखे, मैंने कहा आप व्लॉग बनाते हो तो बच्चों ये शॉट बड़ा अच्छा है, देन आई सॉ हर, मैंने कहा ये तो जानकार है, मैंने कहा चलो। और आप देखो कि ये ना देख रहे माइनस है, ठंड है, बारिश है, बर्फ है, इवन आप 21st से तो और ज्यादा मौसम ये हो जाएगा, बट एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं छोड़ रहे, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही टारगेट है, हमारा नेशनल है, उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मीर सर्वर और हमारी एक पर्सनालिटी है हमारे जम्मू कश्मीर में, ऐसे लोग, और थैंक यू सर आप यहाँ आए, पता है इन्होंने कहाँ देखा हमें, हम प्रैक्टिस कर रहे थे, इन्होंने देखा, और आप देख लीजिए ये खुद स्पोर्ट्स पर्सन आए और आपसे मिलने के लिए आए। तो सबसे अच्छा इंसान होता है वो स्पोर्ट्स पर्सन ही होता है, बिकॉज ही हैज दैट, उसको हम हमेशा हर मजहब में बोलते हैं कि सच बोलो, अच्छा करो, वगैरह करो, स्पोर्ट्स मैन वो चीज़ें खुद ब खुद आ जाती है।
रियासी से हैं, ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, इंजीनियर बाय प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन इज एन इंजीनियर, लेकिन जो कीड़ा काटता ना चीज का वो छोड़ता नहीं, तो दैट इज हाउ इट इज। और ये हमारे व्लॉगर हैं और ये बहुत ही तो अभी हमारे साथ ना हुसैन सर हमारे जीएनके के तो माने ही हैं, बड़े बॉलीवुड में बड़े ज़्यादा मूवीज़ में काम कर चुके हैं, तो इनके मूवीज़ के जो नाम है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर देखें। और बहुत ही बड़े हमारे जीएनके के ना माने हुए डायरेक्टर हैं, बेस्ट अवार्ड भी मिल चुके हैं इनको सर के ऑफिस में, जैसे कि हमने देखा था। तो सर भी सुबह से हमारे साथ ही हैं, पर हम मीर सर के साथ आगे थे, ये पीछे थे, तो सर के साथ मिलके भी बड़ा अच्छा लगा। आज ये पूरा दिन हमारे साथ ही हैं, तो अभी हम इनके साथ और भी घूमेंगे, मिलके भी काफ़ी अच्छा लगा। और सर की मूवीज़ ज़रूर देखना, मैं नीचे सर के मूवीज़ के नाम सारे दे दूँगा। अभी नबीला की क्लास ख़त्म हो गई है, वो वापस से जा रही है, तो ये है नबीला जो नेशनल इंटरनेशनल के लिए इतना प्रिपेयर नहीं कर रही है अपने आप को जितना ओलंपिक के लिए कर रही है, और माइनस में टेम्परेचर है और रोज़ प्रैक्टिस पे आती है, इसकी डेडिकेशन आप देख सकते हो, मतलब सीखने को मिला है। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना इससे मिलके कि ये इतनी अभी से अपने आप को इतना प्रिपेयर कर रही है, और अभी इसकी नेशनल भी आ रही है ना 12 को भोपाल में, इसकी नेशनल है, उसके लिए ऑल द बेस्ट आपको। तो अभी हम अपनी सस्ती वाली शिकारा राइड पर चल पड़े हैं, क्योंकि छोटी वाली बिलबिरबे की वजह से उसका बेचारी का बैलेंस थोड़ा अच्छा हो गया था, अब ख़राब हो गया, क्योंकि हम चारों आराम से बैठ चुकी थी।